नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। एक बार फिर लॉकडाउन का साया मंडराने लगा है। तकरीबन साढ़े आठ लाख के आसपास कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं। ये अलग बात है कि उनमें से बहुत स्वस्थ भी हुए, लेकिन कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। और इस सब के बीच सियासी दांवपेच, सियासी उठापटक और सियासत बहुत तेज हो गई है। लॉकडाउन के साए के बीच अनलॉक तक वर्चुअल का एक ट्रेंड सा चल गया था, लेकिन लगता है सियासतदान वर्चुअल के भरोसे तो रहेंगे नहीं। जनता से सीधा संवाद करना चाहते हैं, उनसे रूबरू होना चाहते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं, इसलिए एक्चुअल का भी जिक्र शुरू हो गया है। और इस एक्चुअल के लिए कई तरह के सियासी तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। हम इसे तौर तरीका कहते हैं, लेकिन सियासी दल आजकल इस तरह की चीज़ों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ हमला करने के लिए हथकंडे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सियासत ना जाने वो किस तरह के शब्द उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन मर्यादा शर्त है हमारी इस चर्चा में, इसलिए हम मर्यादा के साथ बात करें। कोई महाकाल परिसर में शुद्धिकरण करने का प्रयास करता है, कोई कहता है ये सियासी ड्रामा है, हम भी ऐसा कर सकते हैं उनके जाने के बाद। लेकिन ये सब चीज़ों के बीच अब एक्चुअल पर भी जोर दिया जा रहा है। वर्चुअल तो जारी है और मध्य प्रदेश में तो चुनाव भी होने हैं, तो इन सब के बीच एक्चुअल की कोशिश वर्चुअल के साए में हो रही है। तो यही हमारा आज का विशेष, लॉकडाउन का साया वर्चुअल से एक्चुअल। चलिए इस विषय पर हम चर्चा करें, उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी लगातार वर्चुअल रैलियां कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित कई मंत्री और नेता शनिवार को ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहे, तो वहीं अब बीजेपी मान रही है कि समय आ गया है वर्चुअल से एक्चुअल रैली का। कुछ यही बयान दिया है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। भूपेंद्र सिंह का कहना है, जिन जगहों पर कोरोना का संक्रमण कम है वहाँ बीजेपी रैलियां करेगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्यक्रम भी प्रारंभ हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब रैलियां होंगी तो कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। जिस कोरोना के मरीजों की संख्या देश में 8 लाख को पार कर चुकी है, ऐसे में चुनावी घमासान में अगर रैलियां होती हैं तो संख्या बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहीं यूपी ने जहां प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है, तो मध्य प्रदेश में भी रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। के राज्यों से जो कोरोना है, हम मध्य प्रदेश में भले किल कोरोना अभियान चला लें, लेकिन चूंकि अनलॉक प्रारंभ है तो पड़ोस के राज्यों से, जैसे धौलपुर या दिल्ली की सीमा से लगा हुआ हमारा इलाका मुरैना ग्वालियर, यहाँ पर जो व्यापार की दृष्टि से व्यापारी आते हैं उससे उसकी कोरोना बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी चिंता करते हैं, आप देखते हैं, वो स्वयं मॉनिटर करते हैं, तो वो स्वयं ही अब सीधा मैदान में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं और स्वयं समीक्षा करेंगे और अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी। लेकिन ये चुनावी घमासान कुछ और ही इशारे कर रहा है। एक तरफ जहां रैलियों की बात सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ अब बयान देने के कुछ अलग ही रूप देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के उज्जैन महाकाल मंदिर में एंट्री के बाद मंदिर को गंगाजल से धुलवाने की बात कह डाली। ऐसी जगह महाकाल जैसे पवित्र मंदिर में उसको लेके उसको सेंडर कराया गया, इसलिए उसका शुद्धिकरण होना चाहिए पवित्र। और दूसरा श्रावण का महीना चल रहा है, जो भगवान शिव
और श्रावण सब पर्याय हैं, तो इसलिए उसके साफ सफाई होना जरूरी है, शुद्धिकरण होना जरूरी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये अभियान चलाया है। तो वहीं शिवराज के मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, मंदिर को गंगा जल से तो उसी वक्त पवित्र करवाना था जब कमलनाथ ने मंदिर में एंट्री ली, जिससे मंदिर अपवित्र हो गया था। विश्वास सारंग ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, कमलनाथ ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, सिर्फ झूठ ही झूठ बोला, जमकर भ्रष्टाचार किया, ये बहुत बड़ा पाप है। अपवित्र तो उस दिन हुआ था जिस दिन कमलनाथ जी गए थे, हजारों हजारों किसानों की बद्दुआ लेकर गए थे, वो किसान का कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, वादा खिलाफी की, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का राज स्थापित किया, तो अपवित्र तो उनके कारण हुआ। पॉलिटिकल पाखंड है ये, ईश्वर के पास तो संत भी जाते हैं, शैतान भी जाते हैं। अब एक हाथ जगह तो कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए, हर जगह पाखंड करना मैं अच्छा नहीं मानता, उनको पुनर्विचार करना चाहिए, कम से कम एक हाथ पवित्र स्थान तो छोड़ देना चाहिए। अब हम कह दें कि इनके जाने के बाद फिर हम धोएंगे, इससे क्या लाभ होगा, एक आध स्थान छोड़ना चाहिए। अब ये चुनावी घमासान पवित्र और अपवित्रता पर आ गया है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश की 24 सीटें वही हैं जो प्रदेश की सियासत का फैसला करेंगी। इनमें से 22 सीटें वो हैं जिन पर कभी कांग्रेस का राज हुआ करता था। तो वहीं पूरे देश में कोरोना अपने पीक पर आ रहा है, जहां शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं है, तो ऐसे में वर्चुअल से एक्चुअल रैली की तरफ बढ़ना कितना सही है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। कोरोना काल में बहुत तरह की चीज़ें हुई, नए नए प्रयोग हुए, और ये दुनिया एक्चुअल पर जो चलती थी वो वर्चुअल की तरफ बढ़ गई। और एक बार फिर इसी काल में, इसी संकट में, इसी लॉकडाउन के साए में, फिर एक बार अब वर्चुअल से एक्चुअल की तरफ जाने की होड़ है, एक छटपटाहट भी दिखती है। तो चलिए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता गोविंद मालू, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं रविंद्र जैन, जो एक राजनीतिक समीक्षक भी हैं। आप दोनों का स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे, तो उनसे भी चर्चा करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। रविंद्र जैन साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? वर्चुअल का तो बड़ा जोर है, बड़ा इस्तेमाल भी किया गया और बहुत संवाद हो रहा है वर्चुअल से, देश के प्रधानमंत्री से लेके अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री तक, अलग अलग नेताओं तक, पार्टी के बड़े पदाधिकारियों तक। लेकिन इन सब के साए में कोरोना अब तेज़ी से पैर पसार रहा है और अब तो चिंता और बढ़ाने लगा है नए सिरे से, लेकिन लोगों में शायद उतनी चिंता नहीं दिखती। कैसे देख रहे हैं आप इन सारी चीज़ों को? लेकिन मैंने जो आपका सवाल समझा है उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। खैर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है पूरी? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही। देखिए रिजवान भाई, दरअसल क्या है कि अभी तक मध्य प्रदेश में हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार वर्चुअल रैली कर रही थी, लेकिन अभी जब कमलनाथ जी ने एक्चुअल रैली करके दिखाई वहां पर वृंदावन में, और वहां भीड़ भी दिखी है, मुझे लगता है कि नेताओं को बिल्कुल भी डर नहीं है, आम लोगों की चिंता नहीं है। वर्चुअल रैली के माध्यम से भी आप अपनी बात कह रहे हैं, बल्कि वर्चुअल रैली के दो फायदे भी हो रहे हैं। एक फायदा ये हो रहा है कि जिस क्षेत्र की आप रैली करते हैं वहां का कार्यकर्ता तो सुन ही रहा है आपको, भोपाल में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठकर नेता संबोधित करते हैं, दिल्ली में बैठ के नेता संबोधित करते हैं, तो वहां भी कहीं ना कहीं कवरेज भी मिल रहा है इनको। तमाम सारे आप ऐसे उपकरण आ चुके हैं कि गांव गांव में आपके पास तमाम सारे मोबाइल है और फेसबुक है, फेसबुक पर आप सुन सकते हैं, मोबाइल पर सुन सकते हैं, टीवी पर सुन सकते हैं नेता आखिर क्या कहना चाहते हैं। वर्चुअल रैली भी आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जैसा आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज यदि आवश्यकता है तो उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से करना शुरू किया है, कांग्रेस उससे दूरी बना रही है।
कांग्रेस लगातार उसका मजाक उड़ा रही है। मुझे लगता है कि ये मजाक नहीं है, ये एक तरह से आम जनता के साथ खिलवाड़ होगा। कांग्रेस को सोचना चाहिए इस मुद्दे पर कि जो हालात इस समय है मध्य प्रदेश के, हम लगभग 20,000 संक्रमित की ओर बढ़ने जा रहे हैं। हम लगातार अब जो छोटे छोटे शहर है, भोपाल इंदौर के अलावा मुरैना में एक जहां 5 सीटें हैं वहां 104 मरीज एक दिन में मिलना ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। मैं तो इस बात का भी समर्थक नहीं था कि आज मेहगांव में जिस तरह का कार्यक्रम करना आयोजित किया था बीजेपी ने वो किया जाए। वहां भोजन का भी कार्यक्रम था, बहुत सारा कार्यक्रम रखा था। आपको शायद जानकारी होगी आज मेहगांव में 4 संक्रमित मरीज मिले थे। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री को ऐसे कार्यक्रमों से थोड़ा सा दूरी बनाना चाहिए। मुरैना में उन्होंने जाकर जो किया वो बहुत अच्छा किया मुख्यमंत्री जी ने, कि खुद गए हैं, उन्होंने पूरी वहां स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की है, सेंटर देखा है क्या क्या कमी है उसको समझने की कोशिश की है। इस समय हमारी पहली प्राथमिकता चुनाव नहीं है, हमारी पहली प्राथमिकता राजनीति नहीं है, हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए आम जनता के साथ जो जीवन से खिलवाड़ हो रहा है उसको रोकना। हम देख रहे हैं कि जहां भीड़ हो रही है, जहां लोगों को छूट मिल रही है और ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। यदि रिजवान भाई आपने बदनापुर का फोटो देखा होगा, वो वीडियो देखे होंगे जहां माननीय कमलनाथ जी ने रैली की है, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आगे आने वाले 5-7 दिन में वहां के क्या परिणाम होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे फिर आग्रह करूंगा कि अभी जो वर्चुअल है ये वर्चुअल नहीं है, दरअसल ये आवश्यकता है। इस समय की आवश्यकता के अनुसार चुनाव जब घोषित हो जाएंगे, चुनाव आयोग जो भी नियम बनाएगा उसके अनुसार आप अपनी रैलियां करिए, लेकिन अभी फिलहाल कम से कम ऐसा कोई काम मध्य प्रदेश में ना किया जाए जहां लोग बहुत बड़े तादाद में लोग इकट्ठे हो, या ऐसा जहां सामने लोग से भोजन करें और पता चला कि उस भोजन के कारण महत्वपूर्ण सुझाव है, बहुत बहुत जरूरी भी है ये चीजें। गोविंद मालू साहब क्या कहेंगे, सत्ता में आप ही हैं हर तरफ और जिम्मेदारियां भी आपकी अधिक हैं, लेकिन अपने ही कार्यालय में बहुत ढेर सारे लोगों को आप एक साथ बुला लेते हैं, आप प्रेस नोट भी जारी करते हैं, बयान भी देते हैं कि 200 लोग फला विधानसभा के हमारे साथ शामिल हुए, 300 लोग फला विधानसभा के हमारे साथ शामिल हुए, वर्चुअल भी करते हैं और एक्चुअल में अपने कार्यालय में भी इतने ढेर सारे लोगों को आप आमंत्रित करते हैं, और इन सब के बीच चीज़ें बढ़ती ही चली जा रही हैं। विपक्ष पर भी जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे हैं रविंद्र जैन साहब, कई जगह मामले भी दर्ज हुए हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग इस तरह से करते हैं तो फिर आप उन पर सवाल भी नहीं खड़े कर पाते और इसी बहस मुबाहिशे में ये गंभीर विषय कहीं पीछे रह जाता है। आपकी आवाज हमें बहुत ठीक से नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है, कोई तकनीकी खामी है जी? जी बोलते रहिए, बोलिए 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 पीसीआर इस खामी को दूर करें। गोविंद मालू साहब थोड़ा, मैं उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा सा रुकें, पीसीआर इस खामी को दूर करें, उनकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। जी जी मालू साहब बोलिए। चले थोड़ा सा आप एक बार वक्त है ये छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक बार हम इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, और हमारे साथ फिर कांग्रेस के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे।
मरीजों के सैंपल लिए जाएंगे, उनकी टेस्टिंग की जाएगी और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उनका उपचार किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने अनेक स्थानों पर फीवर क्लिनिक शुरू किए हैं, जहां जाकर भी स्वास्थ्य समस्याओं की जांच कराई जा सकती है। और हाँ, इस अभियान को सफल बनाने के लिए हम जैसे स्वास्थ्य कर्मियों की 11,000 से भी अधिक टीमें तो काम कर ही रही हैं। लेकिन यदि कोई आम नागरिक भी इसमें शामिल होना चाहता है तो वो भी कोविड मित्र बनकर इस शुभ कार्य में अपनी सेवाएं दे सकता है। अरे वाह दीदी, फिर तो मैं आज ही कोविड मित्र बनकर आपके साथ इस अभियान को सफल बनाऊंगा। कोरोना को मारने की, कोरोना को हराने का संकल्प लेने का दिन है। 15 दिन में हम इसको समाप्त कर दें। आइए सब मिलकर साथ चलें, सर्वे में, स्क्रीनिंग में मदद करें और कोरोना को अपने घर, अपने मोहल्ले से समाप्त करके मध्य प्रदेश के बाहर करें। हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना। किल कोरोना अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 तक। आओ मिलकर साथ निभाएं, मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष लॉकडाउन का सा वर्चुअल से एक्चुअल। हमारे साथ अब कांग्रेस से पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी जुड़ गए हैं। सुखेंद्र सिंह बन्ना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद भालू साहब, आप कुछ कह रहे थे। गोविंद भालू जी, आप कुछ कह रहे थे। हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं मालू साहब, माफ़ कीजिएगा, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। हम एक बार फिर कोशिश करते हैं इसको नए सिरे से फिर से उसको ठीक करने की। सुखेंद्र सिंह बन्ना, ये वर्चुअल से एक्चुअल की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और कांग्रेस भी कई जगह पब्लिक के बीच में जा रही है, भीड़ इकट्ठी कर रही है। बीजेपी वर्चुअल पर आधारित बहुत ढेर सारे कार्य कर रही है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और ऐसे खतरे के बीच में इस तरह का खतरा मोल ले रहे हैं आप लोग जिस तरह से, ये तो चिंता में डालता है बहुत तरह से। सुखेंद्र सिंह, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। देखिए क्या है कि अभी तक वर्चुअल रैली हुई, लेकिन हम लोगों को उससे कोई फायदा नहीं था, सिर्फ सत्ता पक्ष को फायदा था। अब वो अपने हिसाब से सारा करते थे, चाहे हम शाह की रैली हो चाहे जो कर, हम लोग अपने स्तर से जहां कहीं भी कोई भी जरूरत पड़ती है वहां पर आते जाते हैं। खासकर मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव हो गए, हमारे पार्टी के लीडर अपने तरीके से गए, उनके ऊपर कई अपराध भी लगे, इसके बावजूद भी आ जा रहे हैं, हम लोगों के ऊपर भी अपराध लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इसका पूरा पूरा दुरुपयोग कर रही है। और अब वो रियल में रह रही है, अभी जैसा कि नरोत्तम मिश्रा जी ने भी बयान दिया है, पूरी बात तो नहीं सुन पाए लेकिन दिया है, वो अब एक्चुअल रैली की तरफ बढ़ रहे हैं और उसका पूरा सदुपयोग करना, उनको इस चीज की कोई चिंता नहीं। और जहां तक कोरोना का सवाल है, कोरोना पहले 300 था, उस टाइम पूरा लॉकडाउन लगा और अब कोरोना लगभग 7-8 लाख पहुंच गया है। लेकिन हमको ये लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जी ही स्वास्थ्य मंत्री भी है, सारा सिस्टम उनके हाथ में है। वो कोरोना को डरोना भी कहते थे, कोरोना को कुछ मानते भी नहीं थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने कोरोना फैलाया, कई बातें कही उन्होंने, लेकिन अब कोरोना को वो भूल गए हैं, सिर्फ उनको चुनाव दिखाई दे रहा है,
मध्य प्रदेश में सरकार कैसी बची रहे, इसके लिए एक बात वो और कह रहे थे, आप उनका जिक्र कर रहे हैं तो वो एक बात और कह रहे थे कि आप महाकाल प्रांगण में जो आप गंगा जल से शुद्धिकरण कर रहे हैं ये पॉलिटिकल पाखंड है, और आप जाएंगे वहां करेंगे फिर हम भी जाकर ऐसा करें तो कैसा लगेगा, तो ये क्या जरूरत आन पड़ी थी महाकाल परिसर में आपको जाकर शुद्धिकरण करने की? जब नरोत्तम मिश्रा जी ने शपथ लिया था सबसे पहले उन्होंने ही बिना मास्क के दतिया गए थे और दर्शन किए थे। सवाल का जवाब दे दीजिए, महाकाल में जाकर आप ये जो गंगा जल से उस परिसर को शुद्धिकरण कर रहे हैं उसको लेकर सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि आप पाखंड कर रहे हैं, तो क्या जरूर, वो कह रहे हैं अगर हम भी जाएं इसके बाद करें शुद्धिकरण तो कैसा लगेगा आपको, तो क्या उस पर क्या प्रतिक्रिया है? वहां पर अगर इस तरीके से तो मंदिर का उन्होंने दर्शन किया था और गोविंद बालू जी आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए कांग्रेस तो शुरू से पाखंड करती है, चाहे वो सरकार चलाए या और कुछ करे, अनुष्ठान करे या कार्यक्रम करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे समाज के सरोकारों से, मानवीय सरोकारों से जुड़ी रहती है, इसलिए वो ऐसे किसी भी पाखंड में भरोसा नहीं करती जिस तरह से कांग्रेस केवल प्रचार पाने के लिए और बाकी जन सामान्य में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए करती है। इसलिए हम जो भी काम करेंगे वो जनता के हित में करेंगे, सरकार चलाएंगे जनता के हित में चलाएंगे, हम कार्यक्रम करेंगे तो जनहितेशी, जनोन्मुखी और जन पीड़ा को दूर करने वाला कार्यक्रम होगा, जनता को पीड़ा पहुंचाने वाला नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस के आरोपों में इसलिए दम नहीं कि जनता हमें देख रही है, हमारे कामों को देख रही है, हमारी शासन प्रणाली को देख रही है, हमारी पद्धति को देख रही है और हमारी नीयत को भी देख रही है। इसलिए इन सब बातों का समुच्चय ये है कि अंततः किस तरह से हमने कोरोना पर नियंत्रण पाया, आज भी दूसरे प्रदेशों के मुकाबले, अन्य स्थानों के मुकाबले हम काफी हद तक इसमें सफल हुए हैं, और चूंकि एक प्राकृतिक आपदा है, वैश्विक आपदा है, उसमें लोगों का सहभाग भी जरूरी है, उन्हें भी बहुत ही अवेयर होना पड़ेगा और हम बार बार अवेयरनेस के अभियान चला रहे हैं। कोरोना किल अभियान जो चल रहा है उसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, आएंगे भी, चूंकि एक लंबा चलने वाला ये कोरोना संक्रमण का संकट है, इसलिए हम सबको मिलकर, समाज के सभी जनों को मिलकर, सभी दलों को मिलकर इस पर एक कॉमन कंसेंसस के आधार पर, मालू जी आप चला रहे हैं अनलॉक की तरफ हम बढ़े, लेकिन अब फिर लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जाहिर है कि हम लोगों को उस तरह से समझा नहीं पा रहे हैं या उस तरह से अमल नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए संकट फिर बढ़ रहा है, और हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पड़ोसी अन्य प्रदेश, सभी जगह ये परिस्थितियाँ धीरे धीरे बन रही हैं कि कहीं सप्ताह भर का तो कहीं रविवार का या कहीं दो दिनों का, इस तरह से हमें लॉकडाउन फिर करना पड़ रहा है। और लॉकडाउन के साथ साथ, लॉकडाउन का आपने पालन नहीं किया ये आरोप लगता रहा, कांग्रेस पर भी आरोप लगा जैसा रविंद्र जैन अभी कह रहे थे, साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप सत्ताधारी दल हैं, अभी सुखेंद्र सिंह बन्ना भी कह रहे थे कि ये कहीं भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी इकट्ठे होते हैं तो मुकदमे कायम कर देते हैं, लेकिन फिर भी इनको करना पड़ेगा, ये करेंगे इसलिए कि आप सत्ता का सारा दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा आपके कार्यालयों में कभी 200 कभी 300 इस तरह से लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे थे, तो जाहिर है जब शादी विवाह में भी लोग इस तरह से इतने लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे और आपके यहाँ इकट्ठे होते हैं तो जाहिर है कि वो ये नियम तो रहा नहीं होगा भाई। कार्यालय का तो मैंने पहले ही बताया कि हमारे यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट
सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के आधार पर रखकर हम बैठ के कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पर सैनिटाइजेशन की पूरी और चाक चौबंद व्यवस्था पूरे कार्यालय में है। इसलिए हम किसी को संक्रमित बाहर संक्रमण नहीं फैला रहे हैं। जहां तक कोरोना के लिए लॉकडाउन का सवाल है, तो एक वैश्विक आपदा है, वैश्विक संकट है, और उसमें ये इसकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ेगी ये तो जनता के अवेयरनेस पर निर्भर करता है। सरकार तो हिदायत दे सकती है, दंड भी आयात करती है, तो उसके लिए भी आलोचना होती है, लेकिन उसके एक दंडात्मक प्रावधान करने के बाद भी यदि लोग इस बारे में नहीं मानते, तो उस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ये एक दिन का जो लॉकडाउन और एक दिन का जो वीकली कर्फ्यू कहा जाए, वो इसलिए क्या कि रविवार के दिन अमूमन लोग गैर जिम्मेदार ढंग से घूमते हैं, बिना मास्क लगाए घूमते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं, तो वो कहीं इसमें छेक न लगे, वो निरंतरता उसमें बनी रहे। इसलिए लंबे लॉकडाउन की तो हमको अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए और हम इसकी चाह भी नहीं करते हैं। चलिए, मैं आपके पास एक बार आपके पास फिर आऊंगा मालू जी, एक बार मैं आपके पास फिर आऊंगा। रविंद्र जैन साहब, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस कह रही है हम कुछ भी निकलते हैं बाहर तो हमारे खिलाफ मुकदमा बना देते हैं, वो कह रहे हैं कि हम वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट हमारा ऐसा है, लेकिन बाहर परिसर में कैसा अरेंजमेंट है, वहाँ कैसे आप डिस्टेंस बनाते हैं, और जो गाड़ियों से वाहनों से लोग आते हैं वहाँ कैसे डिस्टेंस बनाते हैं, बहुत तरह का डिस्टेंस है, और जाहिर है इतने ढेर सारे लोगों को जब आप लाते हैं तो कहीं ना कहीं आशंका तो बढ़ती ही है। और अब जब वर्चुअल बहुत सक्सेस भी हो गया था, देश के प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोग उस पर कर रहे थे, तो ये एक्चुअल पर करने की जो एक चाह नए सिरे से पैदा हो रही है, इसको भी आप कैसे देखते हैं? वो धारा है क्या केवल कांग्रेस के लिए बनाई है, क्या केवल आम जनता के लिए बनाई है, क्या केवल उन लोगों के लिए बनाई है जिनके घर में कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम है, शादी का कार्यक्रम है, सगाई का कार्यक्रम है या बर्थडे का कार्यक्रम है, उनका उनके ऊपर धाराएं लगाई जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कभी कोई धारा नहीं लगाई गई। और दूसरी बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ वो ये है कि आखिर इस संकट में हमें ये रैलियों की आवश्यकता क्यों है? अभी चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किए नहीं है, चुनाव जब घोषित हो जाएंगे तो चुनाव आयोग उसके लिए एक नियमावली बनाएगा। जैसा हमने पढ़ा है कि 65 साल से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी अब घर से ही वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है। अब जब चुनाव आयोग इन सब चीजों को लेकर चिंतित है, अभी जैन साहब रविंद्र भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद उनसे संवाद नहीं हो पा रहा है। चलिए एक बार मैं फिर सुखेन सिंह मन्ना के पास चलता हूं। सुखेन सिंह, सभी लोग अभी से चुनाव लड़ने लगे हैं, जबकि चुनाव एक दिशा निर्देश देगा तो उस हिसाब से करेंगे, क्या इंतज़ार नहीं किया जा सकता, ये जोखिम लिया ही जाना ज़रूरी है? और जैसा कि अभी गोविंद मालू कह रहे थे कि सरकार सारे प्रयास कर रही है, लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए और पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़रूरी है कि हम उसका पालन करें, जिस कुछ दिनों में धीरे धीरे हम लॉकडाउन लगाते रहें, अन्यथा लॉकडाउन हमको लंबे समय तक लगाना पड़ सकता है, और काम भी ज़रूरी है, इसलिए इसको समझें और विपक्ष को भी इसे समझना चाहिए। बताइए सुखेन सिंह।
सुखेन सिंह आपने 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 अपना यूनिट जो है म्यूट कर लिया है मुझे लगता है, इसलिए आपको आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। अनम्यूट कर दीजिए उसे, उसे अनम्यूट कर दीजिए, वो म्यूट हो गया है। वो अभी भी म्यूट, मुझे तो म्यूट ही दिख रहा है। अपने स्क्रीन पर एक म्यूट सिस्टम है, तरफ से भी मुझे म्यूट दिख रहा है, आप भी अनम्यूट कर दीजिए उसे। जी मालू जी का तो अनम्यूट हो गया, लेकिन सुखेन जी आपका अभी भी अनम्यूट नहीं हुआ है, उसको अनम्यूट कीजिए। चलिए उनसे संपर्क ठीक से नहीं हो रहा। गोविंद मालू जी, रविंद्र जैन कुछ कह रहे थे कि चुनाव आयोग जब कुछ करेगा तब उस समय करेंगे, इतनी जल्दी क्या है। और चुनाव आयोग तो अभी दिशा निर्देश कुछ इस तरह से भी दे रहा है कि बुजुर्गों को घर से ही ऑनलाइन वोट देने का मौका मिलेगा, और वोट 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, और जब अभी चुनाव की तिथियां ही घोषित नहीं हुई, तो ऐसे समय में क्या जल्दी है कि हम सारे चुनाव इतनी तेज़ी के साथ लड़ लेना चाहते हैं। अभी बहुत जोखिम है, तो थोड़ा सा राजनीतिक दलों को भी संयम बरतना चाहिए। और आप सत्ताधारी दल हैं, जब आप ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, एक नज़ीर प्रस्तुत करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारी इंडोर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज तो हमेशा ही चलती रहती है। पूरे लॉकडाउन में भी हमने अलग अलग जगह की वर्चुअल रैली भी की, और कई जगह पर हमने एक साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री जी के उस पर भी की, 100 दिन पूरा होने पर उस पर भी की, दूसरे भी कार्यक्रम किए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भी कार्यक्रम किए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो निरंतर मोबिलाइज होने के लिए सक्रियता रखता है, और लगातार एक निरंतरता उसमें बनी रहती है। इसलिए चुनाव आए या जाए, उससे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक निरंतरता का जो एक प्रवाह है वो बना रहता है। इसलिए हम कोई जनता के बीच में जाकर कोई बहुत लोगों को एकदम असेंबल करके ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी बूथ की इकाई को लगातार उसको मजबूत करते रहे हैं, हम उसको इनहेंस करते रहे हैं, हमारे जो कमी कमजोरियां हैं वह दूर करते रहे हैं। हम मानते हैं कि हम संपूर्ण हमेशा संपूर्णता में कमी रहती है, इसलिए हम चुनाव से कोई प्रभावित हमारा संगठन नहीं होता। हाँ, जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, वो जब तारीखें घोषित होगी तो वो अपनी सारी गाइडलाइन बनाएंगे, किस तरह से वोटिंग होगा, किस तरह से बड़ी उम्र के लोगों का वोटिंग होगा, वो रविंद्र जैन साहब सही कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए और जो भी इंडोर, लेकिन बड़े पैमाने पर जनता के बीच में जाना, जनता को कार्यालय बुलाना या अपने अन्य स्थानों पर बुलाना, ये बड़े पैमाने पर हो रहा है और लगातार हो रहा है और आए दिन हो रहा है, मतलब ये आए दिन की बात है। तो आप चूंकि सत्ताधारी दल हैं, अगर आप इस अनुशासन को बनाएंगे तो दूसरे लोग भी उसको उसका पालन ज़्यादा बेहतर ढंग से करेंगे। लेकिन अगर आप कहीं चूक करेंगे, आप थोड़ा सा करेंगे, उसका दूसरा उदाहरण बनाएंगे, कोई नेता मास्क नहीं पहनता, कोई पब्लिक के बीच में घुस जाता है। अब आजकल तो मीडिया के साथ भी जो बाइट लेने का सिलसिला है, वो भी नेता मीडिया के लोग भी बहुत नज़दीक खड़े रहते हैं, कोई एक ही व्यक्ति नहीं करता, मीडिया के लोग भी बहुत नज़दीक खड़े हैं, इसलिए कि नेता बाइट देता है, बाइट लेना भी ज़रूरी है। तो इन सब तरह की चीज़ों का पालन नहीं हो रहा, निरंतर नहीं हो रहा। तो फिर वही है कि ये एक्चुअल जो संकट है उसके वो हम दावत दे रहे हैं। वर्चुअल बहुत अच्छा मौका था, लेकिन हम उस लगता है उससे अभी हमारा मन नहीं भरा है, और हम वर्चुअल के बजाय एक्चुअल दावत देने की कोशिश कर रहे हैं। मालू साहब आपसे ही पूछ रहा हूँ। रिजवान भाई, एक्चुअल की बात तो एक्चुअल से होती है और वर्चुअल तो वर्चुअल है, लेकिन हम मजबूरी में वर्चुअल कर रहे हैं। सुखेन सिंह बन्ना, आप अभी भी अनम्यूट नहीं हुए, आप अभी भी म्यूट हैं, उसको अनम्यूट कर लीजिए। जी बताइए मालू साहब। हम देखिए रिजवान भाई जी,
वर्चुअल तो वर्चुअल होता है, वो केवल हमारी अभी वर्तमान समय की मजबूरी है इसलिए वर्चुअल है, लेकिन एक्चुअल का जो उसकी कोई तोड़ नहीं, कोई सानी नहीं है। वो जो आमने सामने का वार्तालाप होता है, आंखों में आंखें डाल के बात होती है, तब बात अलग होती है। लेकिन हम इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान संक्रमण का जो संकट है उसके मद्देनजर हम इन बातों को कभी भी अभी उसको प्रारंभ नहीं करें। लेकिन जहां तक हमारी बैठकों का सवाल है, वो हम पूरी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइजेशन का काम पालन करते हुए, सैनिटाइज के सारे उपकरणों का उपयोग करते हुए हम कर रहे हैं। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से गए हुए इतने दिन की जो बैठकी उसमें कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि जो संक्रमण है वो तो स्थानीय स्तर पर भी कई बार हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई स्थितियां कार्यालय के माध्यम से या हमारे इन संगठनों की बैठकों के माध्यम से नहीं हुई। जहां तक एक्चुअल का सवाल है, तो हम जब ये समय आएगा तो हम उसको करेंगे, लेकिन हम उसको पूरी हिदायत के साथ करेंगे, हम पूरे एहतियात के साथ करेंगे जी। और हम जब एहतियात के साथ करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब सार्वजनिक जगह पर भी यदि आप एहतियात बरते हैं, जो गाइडलाइन और जो हिदायतें दी जा रही लगातार चलिए सरकार के द्वारा, चलिए बिल्कुल 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 गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई संक्रमित नहीं हुआ, लेकिन आपके एक विधायक संक्रमित हुए और बाद में अब वो मंत्री भी बन गए हैं, वो भी संक्रमित हुए थे, लेकिन संक्रमण तो हो रहा है। और किसी को न पार्टी देख के, न चेहरा देख के, न जात न धर्म ये कुछ देख के नहीं होता ये संक्रमण, इसलिए वो किसी को भी हो सकता है। सुखेंद्र बन्ना, आपसे भी मैं चाहूँगा कुछ कहेंगे, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? के नाम पर ये दूसरी पार्टियों का गला पकड़ करके रखे हुए ये अपने मनमानी कोरोना का यूज करते हैं। जहाँ इनको जरूरत पड़ती है सोशल डिस्टेंसिंग कर देते हैं, जहाँ इनको जरूरत पड़ती है वर्चुअल रैली करते हैं, जहाँ इनकी जरूरत पड़ती है। चलिए आप तीनों मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सवाल यही है कि आखिर इस तरह से जिस अंदाज में हम लॉकडाउन और संक्रमण की वजह से हमने वर्चुअल सीखा था, लेकिन हमारा उससे मन नहीं भर रहा, हम एक्चुअल की तरफ जाना चाहते हैं और होड़ सी मची हुई है, ये खतरा मोल मत लीजिए। नेताओं को भी समझना चाहिए, इसलिए कि वो जनता के लिए एक तरह से उदाहरण होते हैं, नज़ीर होते हैं, और ये समझ जनता में भी पैदा होना चाहिए, इसलिए कि ये जो कुछ भी है ये आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी बेहतरी के लिए है। खतरा मोल मत लीजिए, वरना ये दस्तक आपके दरवाजे पर भी देगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।